हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप गंजे हो चुके हो और गंजेपन की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हो, समाज में, फैमिली में, फ्रेंड्स में आपने जाना आना छोड़ दिया है, तो आपको क्या करवाना चाहिए, हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर विग? इन दोनों में से किस चीज का इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए? दोस्तों, ये जो केस है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाए या हेयर विग लगवाए, ये थोड़ा पेचीदा भी है और थोड़ा आसान भी है। ठीक है, इस चीज को समझाऊंगा इस वीडियो में कि आपको लिए क्या बेस्ट होगा, आपको क्या करवाना चाहिए, क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए या आपको हेयर विग का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये दोनों ही ऑप्शन जो है बहुत अच्छे माने जाते हैं अपने बालों को लाने के लिए। एक आदमी जो गंजा इधर उधर घूम रहा है और एक आदमी जो बालों के साथ घूम रहा है, दोनों के अंदर मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस लेवल जो ज्यादा होगा वो बाल वाले आदमी का होगा। कुछ अपवाद हमेशा से ही होते रहे, जैसे द रॉक का ले लो, है ना, उसका अलग ही स्वैग है। विन डीजल को ले लो, है ना, या फिर और भी बॉलीवुड या हॉलीवुड एक्टर शिखर धवन क्रिकेटर को कौन भूल सकता है, बाल है तब भी वो घूमते हैं गंजे होकर कहीं। यहां पर तो थोड़ा बहुत उनका गंजापन है क्राउन एरिया से, लेकिन आगे की तरफ से हेयरलाइन प्रॉपर है, लेकिन वो गंजे रहकर ही घूमते हैं और हम सबको पसंद है क्योंकि उनका काम बोलता है। ठीक है, कुछ अपवाद हमेशा ही, मैं बोल रहा हूं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं 99% लोगों की जो गंजे हैं और घूम रहे हैं या फिर किसी से मिल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस कमी रहती है। ये बात सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जो लोग गंजे हैं, जिनों के सर के ऊपर बाल है उन्हें शायद ये बात समझ भी ना आए, वो कहे कि पता नहीं क्या बकवास हो रही है, समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हेयर विग की बात कर ली क्योंकि हेयर विग बहुत ही कॉमन है, हेयर ट्रांसप्लांट उतना ज्यादा कॉमन नहीं है। हेयर विग जो होता है वो एक पैच होता है, वो सर के ऊपर लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो गंजा बंदा होता है उसके ऊपर उसके सर के ऊपर ऐसा लगता है कि बाल आ गए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पता लग जाता है लोगों की कि हाँ, बंदे ने कुछ ना कुछ करवाया हुआ है अपने सर के ऊपर। मतलब कि विग ही समझ लो आप एक तरह से, उसका अलग अलग तरीके के नाम आजकल आते हैं, हेयर रिप्लेसमेंट, है ना, और हेयर पैच, अलग अलग तरीके के नाम दे दिए गए हैं, मॉडर्न नाम दे दिए गए हैं और मॉडर्न तरीके के विग्स भी बना दिए गए हैं जिनकी जिसमें काफी कम लोग समझ भी पाते हैं या फिर जो लोग समझ जाते हैं वो भी अप्रिशिएट करते हैं, हाँ भाई अच्छा लग रहा है। पहले की जो विग होती थी मोटे चमड़े वाली जिसके अंदर खुजली पसीना हद से ज्यादा आता था, इस वाले में भी खुजली और पसीना आता है लेकिन पहले वाले में हद से ज्यादा आता था और बंदे का सर पर ऐसा रखता था कि हेलमेट हमेशा के लिए रखा हुआ है, बंदा बहुत परेशान रहता है। लेकिन आजकल की विग के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन वो इन्फेक्शन, सर के ऊपर दाने, डोनर एरिया खराब कर देना, ये सब चीजें उसके अंदर सामना करना पड़ता है। हेयर ट्रांसप्लांट क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी का प्रोसेस है जिसके अंदर आप ही के शरीर के बाल लेकर के आप ही के सर के ऊपर लगा दिए जाते हैं जहां पर गंजापन है। वो बाल 3 से लेकर के 8 से 10 महीने में बड़े हो जाते हैं, नेचुरल लगते हैं, जैसे कि आप मेरे बालों को देख पा रहे हैं, ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है। पहले मैं गंजा हुआ करता था, मैंने हेयर विग का इस्तेमाल नहीं करा, मुझे हेयर विग पर्सनली पसंद नहीं है यूज करना भी। हाँ, आगे चल के मैं बहुत ज्यादा ग्रेड का गंजा हो गया या फिर कोई भी बंदा बहुत ज्यादा गंजे ग्रेड का है वो लगवाए तो बेटर लगता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाए या हेयर विग करवाए, इसके ऊपर आ जाते हैं। अब जो भी बंदा, जिस भी बंदे का ग्रेड 6 या 7 हो चुका है, वो बंदा डेफिनेटली जा सकता है हेयर विग या हेयर पैच की ओर, ठीक है, लेकिन उसका भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन कैसा हेयर ट्रांसप्लांट होगा? आगे की तरफ, ठीक है, इतने एरिया के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट होगा। फोटोग्राफ में भी आप देख लें, इतने की एरिया में उसका हेयर ट्रांसप्लांट होगा, पीछे की एरिया की तरफ गंजा रह जाएगा। या फिर यहां पर भी अगर जो बाल लगा दिए जाएं तो क्या होगा, तो सर का पूरा खाली खाली होगा, छोटे छोटे बाल रहेंगे, लेकिन हाँ वो नेचुरल होंगे। कोई बंदा ये नहीं बोलेगा अरे यार हेयर विग लगा रखे, हेयर पैच लगा रखा है। किसी बंदे को हाई डेंसिटी चाहिए और उसे कम डेंसिटी वाले बाल पसंद नहीं आ रहे हैं, वो चाहता है कि नहीं यार मैं पहले की तरह 15-18 साल का लगूं, तो वो हेयर विग के लिए जरूर जाए जिसका ग्रेड 6 या 7 का हो गया है। मैं अभी भी बोल रहा हूं 6-7 का ग्रेड हो गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। मैंने खुद बहुत सारे लोगों की वीडियो बनाई जिन्हों का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है 6 या 7 ग्रेड में और ठीक ठाक, बहुत अच्छे तो नहीं बोलूंगा कि हाँ बहुत तूफान रिजल्ट आ गए हैं मेरी तरह, जैसे कि मेरा बाल आप देख रहे हो, ऐसा रिजल्ट नहीं आया। मेरा ग्रेड 4 के अराउंड था तो मेरे इस तरीके के बाल आपका ग्रेड 5 या 5 से नीचे है तो हेयर ट्रांसप्लांट की ओर जाएं। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ये वाले डोनर एरिया, ये वाले डोनर एरिया,
चेस्ट, अंडरआर्म, इधर उधर से बाल, या फिर जहां पर भी आपके शरीर में बाल हैं वहां पर से बाल ले लिए जाएंगे और आपके सर के ऊपर उगा दिए जाएंगे और वो बहुत नेचुरल लगेंगे, अच्छे लगेंगे। लेकिन उसके लिए भी एक्सपर्ट क्लिनिक चूज करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत सारे क्लिनिक में आज भी फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। हाँ, और रही बात हेयर पैच की, हेयर पैच जो है वो कहीं पर से भी लगवाया जा सकता है, बस ये है कि हेयर पैच भी बहुत सस्ता तो नहीं आता है, बहुत महंगा ही आएगा, क्योंकि वो भी 1.5 से 2 साल के अंदर खराब हो जाता है। 15,000 से शुरू हो जाता है, अच्छी क्वालिटी का पैच की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कोई घटिया क्वालिटी के पैच की बात नहीं कर रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत नेचुरल लगे आपके सर के ऊपर वो वाला पैच 15,000 से लेकर के 40,000 रुपये तक के, 60,000 रुपये तक के बीच में आपको मिल जाएगा, बहुत सुपीरियर क्वालिटी का। लेकिन हम जो मुझे लग रहा है जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो 15,000 से लेकर 25,000 तक का हेयर पैच ज्यादा से ज्यादा ले पाएंगे या अफोर्ड कर पाएंगे। यहां पर हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, हेयर ट्रांसप्लांट 30,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक के अंदर बहुत हाई क्वालिटी का, बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। अब 30,000 से 1.5 लाख रुपए जो रकम मैंने आप लोगों को बताई, ये गंजेपन पे डिपेंड करती है, ग्रेड 1 में कम पैसे, ग्रेड 2 में थोड़े और पैसे, 3 में और में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, उस तरह से रेट बढ़ते जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आएगा कि किसे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और किसे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, या किस या फिर किसे विग लगानी चाहिए या किसे विग नहीं लगानी चाहिए। अगर जो आपको ये बात समझ आई है आज की वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, या फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना हो तो ये नंबर मैंने दिया हुआ है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।